टैबलेट स्मार्टफोन के संदर्भ में एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि टैबलेट और स्मार्टफोन के संदर्भ में पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। देखिए थंबनेल पर लिखा है, वितरण को लेकर बड़ी खबर, सीएम योगी का ट्वीट, वितरण प्रक्रिया में और तेजी लाएं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो आज की अपडेट्स आपके सामने नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश ट्विटर के माध्यम से जारी हुआ कि जहां भी वितरण प्रक्रिया अपने शिथिल माध्यम में चल रही है वहां पर वह प्रक्रिया तेजी लाई जाए। और यहां देख पा रहे हैं आप, आज इतने कॉलेजों में होगा वितरण, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी चीज यहां लिखी गई है, 65,000 बच्चों की लिस्ट जारी हुई, ठीक है। तो वह कौन सा जिला है जहां पर 65,000 छात्र छात्राओं की लिस्ट जारी हुई है, और सभी अपना नाम यहां से चेक करें। बिल्कुल अगर आप, जाहिर सी बात है आपके मन में यह डाउट उठता होगा कि अगर जिस ज़िले की लिस्ट जारी हुई है, हम कैसे इस ज़िले में, अगर हम इस ज़िले से बिलोंग करते हैं तो हम अपना नाम कैसे देख पाएंगे। तो इन सभी के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम सबसे पहले आपको अपडेट दिखाने का प्रयास करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया हुआ है, ठीक है। देखिए आपके सामने ट्वीट नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ यहाँ यूपी जी लिखा गया है, 22 घंटे पहले की यह अपडेट है, ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि कोरोना काल में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक के साथ ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। और नीचे यहाँ देख पा रहे हैं, उसके बाद आज प्रदेश सरकार स्नातक व परास्नातक छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर बढ़ा रही है, @UPCM योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। आपने इस अपडेट को देखा, फिलहाल के लिए इस अपडेट से तो यह क्लियर हुआ कि जितने भी स्नातक और परास्नातक के छात्र हैं सभी को जो है फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन सवाल आपके मन में यहाँ आ रहा है कि आपने तो कहा पिछले दिनों कुछ अपडेट्स वायरल हो रही थी, उसमें कहा गया था कि 12 लाख छात्र छात्राओं को सिर्फ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो 12 लाख छात्र छात्राओं का टारगेट जो रखा गया है वह 100 दिन में रखा गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे अभी तो इतना दिन बीत गया फिर जो है 12 लाख, लेकिन एक चीज़ यह जानिएगा कि आज नहीं तो कल आपके कॉलेज में भी वितरण होगा, यह 100% सत्य है। ऐसा नहीं है कि आपका जो नंबर है वह रोक दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप धैर्यता का परिचय दें, आज नहीं तो कल आपके कॉलेज में भी वितरण प्रक्रिया कराई जाएगी। रही बात यहाँ आपको नज़र आ रहा है आज इतने कॉलेजों में, अगर बात किया जाए यह जो ज़िले की बात है और यह आज इतने कॉलेजों, बरेली के विभिन्न कॉलेजों में आज वितरण की प्रक्रिया सकुशल सम्पन्न कराई जाएगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप बरेली से बिलोंग करते हैं, बरेली जिला से बिलोंग करते हैं, तो आप लगातार अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा, क्योंकि आज वितरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से वहां कराई जाएगी और बहुत भारी संख्या में विभिन्न कॉलेजों में वितरण की प्रक्रिया होनी है। रही बात अपना नाम चेक करने की, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना नाम बिल्कुल वहां से देख लेंगे, क्योंकि बेहतरीन अपडेट्स आपके कॉलेज से ही मिल पाएगी, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।